हेलो एवरीवन वेलकम टू कारण वेब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल फॉर डेली अपडेट्स डू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन सो लेट्स गेट स्टार्टेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स ट्वेंटी और हमारा आंसर है ऑप्शन डी वन जीरो इसी इंडेक्स पे बेल्जियम रैंक्स फर्स्ट बाइ फ्रांस रैंक्स सेकेंड करंट चैंपियन फीफा के हैं फ्रांस और नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा कतर में 2024 में हमारा सेकंड क्वेश्चन है इज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज सेलिब्रेटेड और हमारा आंसर है ऑप्शन सी ट्वेल्थ अप्रैल ट्वेल्थ अप्रैल 1961 इसी दिन यूरी गैगरीन स्पेस पर गए थे और वो रशिया से हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्टी फोर्थ एनअल बिलियन लिस्ट हु ऑप्शन ए जेफ बेजोज प्रेजेंट फाउंडर सीईओ और प्रेसिडेंट हैं एमेजन के उसी के साथ यंगेस्ट फोर्स वर्ल्ड बिलियन लिस्ट में काली जेना फर्स्ट रैंक पर हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हु हैज अपॉइंटेड एज देंबर ऑफ एक्सटर्नल एडवाइजरी काउंसिल बाई द आई एम एफ और हमारा आंसर है ऑप्शन बी रघुराम राजन आईएमएफ के हेड क्वार्टर्स हैं वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ की हेड है क्रिस्टीना जॉर्जीवा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक साथ मिलकर ब्रिटिल वुड ट्विंस के नाम से जाने जाते हैं रघुराम राजन पहले आर गवर्नर रह चुके हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं अभी प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ और आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन शील्ड हैज बीन स्टार्टेड बाय विथ स्टेट गवर्नमेंट टू फाइट कोविड 19 और हमारा आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली जहां पे ऑपरेशन शील्ड दिल्ली में स्टार्ट किया गया था केरला फर्स्ट स्टेट है जहां प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई थी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बिकम द ग्लोबल लीडर इन पेटेंट पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी और हमारा आंसर है ऑप्शन डी चाइना लास्ट ईयर इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशंस 265800 रिकॉर्ड किए गए थे 2018 के मुकाबले 5.8% ज्यादा हु आर टॉप ग्लोबल रैंकिंग विद 4411 पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी इन 2019 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू मेक फेस मास्क कंपल्सरी और इसका आंसर है ऑप्शन ए मुंबई थ्री मास कैंपेन शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में वहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था एज ए कैंपेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फेस ऑफ आरबीआई ट्विटर कैंपेन टू अडॉप डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट और हमारा आंसर है ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर ऑफ द बुक टाइटल वन और हमारा आंसर है ऑप्शन ए कोबी ब्रायंट हु ये एक बास्केटबॉल प्लेयर थे हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द फॉर्मूला वन रेसर हु डाइड ऑन अप्रैल 2020 और हमारा आंसर है ऑप्शन डी स्टर्लिंग मॉस ये ब्रिटेन से थे निकी लाउडा आल्सो डाइड लास्ट ईयर हमारा अगला क्वेश्चन है विच बांग्लादेशी आर्मी कैप्टन हैज बीन हैंग्ड फॉर किलिंग बांग्लादेशी इंडिपेंडेंस लीडर नेमली शेख मुजीबुर रहमान और हमारा आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल माजिद हमारा ट्वेल्थ क्वेश्चन है Who among the following cricketer has been named as the leading cricketer in World 2020 by Wisden? और हमारा आंसर है ऑप्शन डी बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड से है इन फीमेल कैटेगरी एलिस पेरी है जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द पोर्टल लॉन्च्ड बाय एच मिनिस्ट्री टू एड्रेस द स्टूडेंट इन लॉकडाउन और इसका आंसर है ऑप्शन बी युक्ति यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन युक्ति एक पोर्टल है जो स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा लॉकडाउन में सो दे गेट अपडेटेडिव सब्जेक्ट इट वॉज लॉन्च बाई एच आर डी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल हमारा अगला क्वेश्चन है विच आई आई टी हेज डेवलप्ड यू वी टेक्नोलॉजी फिटेड ट्रंक फॉर होम्स टू सैनिटाइज ग्रोसरी आइटम्स एज वेल एज करेंसी नोट्स और हमारा आंसर है ऑप्शन सी आईआईटी रोपर आईआईटी रोपर रूपनगर पंजाब में स्थित है अगला क्वेश्चन है इंडिया रिसेंटली सेंट अ कंसाइनमेंट ऑफ ऑफ टन टू विच कंट्री और हमारा आंसर है ऑप्शन डी अफगानिस्तान इंडिया कंसाइनमेंट यहाँ से छबर पोर्ट भेजती है जो ईरान में है और जिसे इंडिया ने ही बनाया है स्टैटिस्टिकली इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाजू में ही ग्वादर पोर्ट है जिसने चाइना ने बनवाया है पाकिस्तान में आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रसार भारती हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू चैनल नेमली और हमारा आंसर है ऑप्शन ए डीडी रेट्रो प्रसार भारती के चेयरमैन जैसे कि हम जानते हैं डॉक्टर सूद ए प्रकाश और सीईओ हैं शशि शेखर वेमपंती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हैज बॉट 1.101% शेयर्स ऑफ व्हिच इंडियन बैंक और हमारा आंसर है ऑप्शन सी एच डी एफ सी बैंक एच डी एफ सी बैंक लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का आफ्टर मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑफ मार्च 2020 और इसके सीईओ हैं है आदित्य पुरी आए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर विच रेलवे स्टेशन बिकम्स द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन कंट्री टू अप सैनिटाइजिंग टनल्स और हमारा आंसर है ऑप्शन डी अहमदाबाद जो अहमदाबाद के जो सैनिटाइजिंग टनल्स हैं, वो सैनिटाइज करते हैं 25 ट्वेंटी तो लोगों को पर मिनट, यूजिंग 20 ऑफ सैनिटाइज़र पर ट्वेंटी और देखा जाए तो गोरखपुर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे जंक्शन इन वर्ल्ड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर टिम ब्रुप टेलर डाइड रिसेंटली। ही आंसर है ऑप्शन डी बोध बी एन सी दैट इज कमेडियन एंड एक्टर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम ऑफ विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड डिजिटल स्टेथोस्कोप नेमली कैन यू सिंग हार्ट बीट फ्रॉम हमारा आंसर है ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर विच ऑफ द फॉलोइंग ई लर्निंग पोर्टल हैज बीन लॉन्च टू हेल्प यू पी एस स्टडी फ्रॉम होम ड्यूरिंग लॉकडाउन और इसका आंसर है ऑप्शन सी यूपीएससी गाइड जैसा कि हम सब जानते हैं यूपीएससी के चेयरमैन हैं अविंद सक्सेना हमारा अगला क्वेश्चन है अप्रैल थर्टीन 2020 मार्क्ड ट्वेंटी मार्क्ट विच ऑफ द जलियावाला बाग मासका आल्सो नोन एज दी अमृतसर मसका और इसका आंसर है ऑप्शन सी वन जीरो वन द जलिया बाग मसक टुक प्लेस ऑन थर्टीन अप्रैल नाइनटीन नाइनटीन जब एक्टिंग ब्रिगेडियर उस वक्त के जनरल रेजीनाल्ड डायर एक सिविलियन पे फायर करने के आदेश दिए थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी ट्रूप्स को हमारा अगला क्वेश्चन है पीटर बॉनिटी पास्ड अवे रिसेंटली ही विज अ फेमस फुटबॉलर फ्रॉम विच कंट्री और हमारा आंसर है ऑप्शन डी इंग्लैंड ये एक गोल कीपर थे सांती साथ ही साथ नाइनटीन सिक्सटी सिक्स के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में भी थे ऑल्सो ही प्लेड चेल्सी इनके नि इनको निक नियम दिया गया था द कैट आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर विच कंट्री विल होस्ट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन इन नवम्बर दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी और हमारा आंसर है ऑप्शन बी इंडिया लास्ट चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी जहां इंडिया ने मेन एज वेल एज वुमेन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर के सचेती ने कहा था कि नेक्स्ट टाइम ये इंडिया ही होस्ट करेगी हमारा अगला क्वेश्चन है भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री और इसका आंसर जैसा कि हम सब जानते हैं ऑप्शन ए एच मिनिस्ट्री हमारा अगला क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ इंक्रीज द रिलीफ पैकेज फ्रॉम सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर टू हाउ मच टू हेल्प इट्स मेम्बर नेशन और हमारा आंसर है ऑप्शन बी ट्वेंटी बिलियन डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड क्वार्टर्स हैं मनीला फिलीपींस में और इसके हेड हैं मसाद सुगु असाकावा। हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी बिल्ट और इसका आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और इनके चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी इसके दो कैपिटल हैं अमरावती और हैदराबाद भोगापुरम विजांग्रम डिस्ट्रिक्ट 40 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट है विशाखापट्टनम के जहाँ पे ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट अभी तक प्लान हुआ है और वहीं ही बनेगा हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द तो जैपनीज फिल्म मेकर हु डाइड रिसेंटली और इसका आंसर है ऑप्शन डी को ओबयाशी नोबोई को ओबयाशी एक फिल्मेकर हैं जापान के जिन्होंने काम किया है वॉर हॉरर जॉन्ड्रा पर 1977 हाउस और हैना तागाथ में इनकी दो बहुत ही पॉपुलर फिल्म्स रही हुई हैं हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द फॉर्मल अटॉर्नी जनरल एंड सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हु डाइड इन अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी और इसका आंसर है ऑप्शन सी अशोक देसाई नाइन्थ जुलाई 1996 से सिक्स में 1998 तक ये अटॉर्नी जनरल रहे हुए हैं और 18 दिसंबर 1989 से सेकेंड दिसंबर 1990 तक ये सॉलिसिटर तो जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हुए हैं हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्टीन अप्रैल मार्क्ट विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और हमारा आंसर है ऑप्शन ए वन ट्वेंटी नाइन्थ

एंटीशिप मिसाइल हापून प्लस मार्क 54 फोर हमारा अगला क्वेश्चन है रिसेंटली वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड द इंडिया जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू 2020 to 21 और इसका आंसर है ऑप्शन बी 2.8 पॉइंट एट परसेंट बैंक हेड क्वार्ट वॉशिंगटन वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मेभा और इस और एफ ने इसे एस्टिमेट किया था वन हमारा अगला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू कॉम विद कोविड नाइन्टीन विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द आरोग्य सेतु टू वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम सर्विस और इसका आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु हमारा अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज लॉन्च वेबिनार सीरीज और हमारा आंसर है जैसे कि हम सब जानते हैं ऑप्शन बी देखो अपना देश अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं विच बिकेम दर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड 19 और इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं अभी आनंदीबेन पटेल इसके सीएम हैं जैसे कि हम सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ और इसके कैपिटल है लखनऊ आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर टूर दि फ्रांस कोरोना वायरस पैंडमिक इट्स एन इवेंट ऑफ हमारा आंसर है ऑप्शन बी साइकिल रेस ये साइकिल रेस टोटल 3,500 किलोमीटर की होती है और ये 21 डेज के लिए कंडक्ट होती है हमारा अगला क्वेश्चन है विच कंट्री चेयर द आसियन ऑनलाइन समिट और इसका आंसर है ऑप्शन ए वियतनाम आसियन के सेक्रेटेरिएट हैं जकार्ता में और इसके टोटल टेन मेंबर्स हैं इसके सेक्रेटरी जनरल हैं लिन जॉक हॉय हमारा अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन अकाउंटिंग नीयरली बाई सेवेंटी परसेंट ऑफ एनुअल ग्लोबल प्रोडक्शन और इसका आंसर है ऑप्शन ए इंडिया इंडिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ने इंडिया ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक्सपोर्ट किया है यूके यूएस इसराइल श्रीलंका और अफगानिस्तान में इंडिया की कैपेबलिटी इतनी है कि हर महीने थर्टी फाइव करोड़ के टैबलेट्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की बना सकती है हमारा अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज विच नेशनल पार्क हैज़ सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट क्वारंटीन फैसिलिटी फॉर एनिमल्स और इसका आंसर है ऑप्शन बी जिम कॉबेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है हमारा अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ स्टॉप इट्स फंडिंग टू डब्ल्यू एच ओ और इसका आंसर है ऑप्शन सी यू एस ए हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द आगा खान अवार्ड विनिंग आर्किटेक्ट हु हेल्प इराक्स कंटेम्प्रेरी स्टाइल हैज़ डाइड फ्रॉम कोविड नाइन्टीन और इसका आंसर है ऑप्शन डी रिफात शटर्जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इक्विपमेंट लॉन्च बाय डीआरडीओ आर डी ओ लैबोरेटरी फॉर दैंपल कलेक्शन ऑफ कोविड नाइन्टीन और इसका आंसर है ऑप्शन बी कोसैक डीआरडीओ आर डी ने लॉन्च किया है इसको और ये हैदराबाद में हुआ है हमारा अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज रिसेंटली सेंट अ टोटल सिक्स लाख फिफ्टी थाउजेंड एंटीबॉडी एंड आर एन एक्सट्रैक्शन किट्स टू इंडिया और इसका आंसर है ऑप्शन सी चाइना चाइना की कैपिटल हम सब जानते हैं बीजिंग इसकी करेंसी है रेमिन और प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजीत चौधरी पास्ड अवे ही विज फेमस और इसका आंसर है ऑप्शन डी एक्टर जैसा कि हम सब जानते हैं रंजीत चौधरी एक इंडियन एक्टर थे जो अपने टेलीविजन एज वेल एज थिएटर रोल से फेमस थे इन्होंने मैं इन्होंने मशहूर द ऑफिस फिल्म में भी काम किया हुआ है हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऐप बिकम्स द फास्टेस्ट ऐप टू रीच 50 मिलियन डाउनलोड्स और इसको हम सब जानते हैं ऑप्शन बी आरोग्य सेतु ये ऐप कोरोना वायरस ट्रैकर है ये ऐप लोगों की मदद करता है सिम्टम्स जानने में उन उन्हें अलर्ट करने में ताकि लोग प्रिकॉशंस ले सकें साथ ही ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी देता है कोविड नाइन्टीन को लेकर हमारा अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ वन द एडिसन अवार्ड 2020 फॉर सोशल इनोवेशन और इसका आंसर है ऑप्शन बी टाटा पार हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी एम डी एज वेल एज सी ई ओ ऑफ पे टी एम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड और इसका आंसर है ऑप्शन सी विनीत अरोरा हमारा अगला क्वेश्चन है हु वन द थर्ड इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरब फिक्शन बहुत ही फेमस हुए थे ये ऑप्शन ए अब्दुल वहाब असाउसी हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द यू पी आई बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च बाई बी एस एन एल एल पार्टनरशिप विद एस बी आई और इसका आंसर है ऑप्शन डी भारत इंस्टा पे हमारा फिफ्टीथ क्वेश्चन है विथ सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑफ यूनेस्को हैज़ बीन पोस्टपोन ड्यू टू कोविड नाइन्टीन और इसका आंसर है ऑप्शन सी फोर्टी फोर्थ ये पोस्टपोन हुआ था चाइना की मिनिस्ट्री को चाइना की मिनिस्ट्री ने क्या था इसे पोस्टपोन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ड्यू टू कोविड नाइन्टीन आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर वॉट इज एशियन पैरा गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू विच विज रिलीज रिसेंटली और इसका आंसर है ऑप्शन सी फीफी फीफी का डिजाइन डिवाइन बर्ड जो लिया कल्चर की है उससे इंस्पायर्ड है तो ऑफिशियली मैस्केट ऑफ फोर्थ एशियन पैरा गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू इज अ फीफी बर्ड हमारा अगला क्वेश्चन है ICMR हैज़ फाउंड हिंट ऑफ करोना वायरस इन विच इंडियन एनिमल स्पीशीज और इसका आंसर अच्छा है ऑप्शन बी बैट दो स्पीशी फाउंड की गई थी केरला हिमाचल प्रदेश पुडुचेरी और तमिलनाडु में नेमली टिरोपिस एंड रूजेट्स हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन और इसका आंसर अच्छा है ऑप्शन ए तोमस अजान तो सजान इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में 1976 से काम करते आ रहे हैं और 24 इयर्स के लिए जनरल सेक्रेटरी थे 20 इयर्स तक ये प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं इन पे करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे जिसकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है हमारा अगला क्वेश्चन है वट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हीमोफेलिया डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन नाइनटीन अप्रैल एवरी ईयर और इसका आंसर है ऑप्शन बी गेट प्लस इन्वॉल्व वर्चुअली एंड स्टे सेफ लास्ट ईयर इसकी थीम थी आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द प्रेसिडेंट ऑफ बी एस एन एल द एडिशनल चार्ज ऑफ एम टी एन एल और इसका आंसर है ऑप्शन डी पी के पुरवार हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिसाइडेड टू वेव ऑफ सर्विस चार्जेस फॉर ऑल एम ट्रांजेक्शन अप टू थर्टी जून ट्वेंटी ट्वेंटी और इसका आंसर है ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज प्रोवाइडिंग फ्री फूड टू सिटीजन वाया मुख्यमंत्री दीदी मंत्री मुख्यमंत्री दीदी किचन और इसका आंसर है जैसा कि हम सब जानते हैं ऑप्शन ए झारखंड हमारा अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च सेफ्टी ग्रिड कैंपेन टू हेल्प पीपल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग लॉन्च सेफ्टी ग्रिड कैंपेन और इसका आंसर है ऑप्शन बी एच डी एफ सी बैंक हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सी एस ए दैट इज क्रिकेट साउथ अफ्रीका और इसका आंसर है ऑप्शन डी ग्रेम स्मिथ क्रिकेट साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट है क्रिस नंजानी और इसकी सी है जैकिस फॉल और अब डायरेक्टर हैं ग्रेम स्मिथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देर इज अ रिटक्शन इन रेपो रेट रिसेंटली बाई द आर बी आई द न्यू रेपो रेट इज हमारा आंसर है ऑप्शन सी 3.75 परसेंट जबकि रिवर्स रेपो रेट भी 3.75 परसेंट है बैंक रेट है 4.6 परसेंट और एट प्रेजेंट कैश रिजर्व रेशियो है 3 परसेंट और स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो है 18 परसेंट हमारा अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी आर बी आई विद स्टेट गवर्नमेंट हैज शोन इकोनॉमिक राइज इकोनॉमिक राइज इन लॉकडाउन और इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अदर अबव दैट इज छत्तीसगढ़ असम एज वेल एज तेलंगाना हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेंड एट सीक यू दैट इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टू फिफ्टी फाइव कंट्रीज आउट ऑफ विच हाउ मेनी विल गेट इट इन कमर्शियल बेसिस कमर्शियल बेसिस पे किन किन को एच मिलेगा और हमारा आंसर है ऑप्शन डी 21 हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट न्यू स्पीशीज ऑफ ग्रीन पिट वाइपर हैज बीन डिस्कवर्ड और इसका आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश ये नई स्पीशीज पक्की टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में मिली है टीम ऑफ रिसर्चर्स ने इसे सलासार्ज पिट वाइपर नाम दिया है जेके रॉलिंग की फेमस बुक है हैरी पॉटर उसी नॉवल से इंस्पायर्ड है इसका नाम जो इनको इनको रिसर्चर्स ने दिया है हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द पर्सन ऑथर बुक टाइटल द शटलिंग ऑन टॉप शटलिंग ऑन टॉप विच इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ पी सिंधु और हमारा आंसर है ऑप्शन डी वी कृष्ण स्वामी जैसा कि हम सब जानते हैं सिंधु ने सिल्वर मेडल्स जीते थे 2016 रियो ओलंपिक्स में और गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये इंडिया की पहली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन है और ये आंध्र प्रदेश की हैं हमारा अगला क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ बीन रैंक्ड थर्टी फर्स्ट इन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया किस को थर्टी फर्स्ट रैंक मिला है और हमारा आंसर है ऑप्शन ए ए शरद कमल हमारा अगला क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन किस सेक्शन के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में स्पिटन इन पब्लिक इज अ ऑफेंस नाउ और हमारा आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 51 वन क्लॉज बी हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द मोस्ट डिजिटली स्किलफुल कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर गैदर ट्वेंटी नाइनटीन डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे डिजिटल वर्क प्लेस के सर्वे के मुताबिक किसे द मोस्ट डिजिटली स्किलफुल कंट्री कहा गया है और इसका आंसर है एज वेल गेस्ट ऑप्शन बी इंडिया हमारा अगला क्वेश्चन है एवरी ईयर अप्रैल एटीन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे वॉट वॉज द थीम दिस ईयर और हमारा आंसर है ऑप्शन ए शेयर्ड कल्चर शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द किसान एग्रीगेटर ऐप द किसान एग्रीगेटर ऐप विच विज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर फॉर फार्मर्स यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे लॉन्च किया था फार्मर्स के लिए और हमारा आंसर है ऑप्शन डी किसान रथ हमारा सेवेंटी एथ क्वेश्चन है इंडियन ट्राई कलर प्रोजेक्टेड ऑन दी मैटोहन माउंटेन फॉर होप इट्स लोकेटेड इन मैटोहॉन माउंटेन कहाँ पे लोकेटेड है और इसका आंसर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड द मैटन इज द माउंटेन ऑफ एप्स जो बॉर्डर में है और जो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में है 4478 मीटर हाई है और ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हेज लॉन्च सैनिटाइजर एंड यूवी डिवाइस ऑटोमेटिक सैनिटाइजर एंड यूवी डिवाइस टू फाइट विद कोरोना वायरस और इसका आंसर है ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो हम ऐसे ही हर हफ्ते के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर वीडियोज डालते रहेंगे सो स्टेट ट्यून्ड Also, don't forget to like the video, subscribe to our channel, and press the bell icon to stay updated. Thanks a lot.